मैं हूं मिंटू, आप देख रहे हैं मिंटू एलईडी एंड टोनी। तो आज का वीडियो फिर से खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग एलईडी का बल्ब में काम करते हैं गारंटी में, और बहुत सा भी गामा डिगोबी में लोग लेके फंसने वाले हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो खास है। आप क्या चीज लीजिएगा, आप नहीं लीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें सिर्फ जानकारी आपको दिया जाएगा कि क्या चीज बेहतर है। तो चलिए वीडियो को, सबसे पहला चीज हो जाता है आज का जो डेट में है, ये तीन तरह का आपको बॉडी मिलेगा। पहला बॉडी मिलेगा इस टाइप का, दूसरा मिलेगा इस टाइप में, ये दोनों सिस्का मॉडल बोलते हैं। ये मिलता है फ्लिप्स टाइप में। ये तीन तरह का आपको बॉडी देखने को मिलेगा कहीं भी अभी बात करिएगा तो। और तीनों में क्या अंतर है, क्या चीज मिल रहा है, क्या मटेरियल मिल रहा है, ये तीनों का आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए सबसे पहला चीज, ये बॉडी में जो लोग ले रहे हैं, इसका जो अल्मोनियम का जो कोटिंग है बहुत ही कम है। इसमें बिना टिक्की का जो माल ले रहे हैं तो कुछ इस तरह का डीओ भी आपको आएगा, छोटा वाला 39 पॉइंट कुछ का। इसके पीछे आपको एक दो रेजिस्टेंस इमो भी लगा हुआ रहेगा। आप जो भी डीओ भी हो या कोई सा भी बल्ब हो, जब जलता है इसका हीट होता है। अब हीट इतनी सुन डीओ भी में बॉडी में आप कहां पर ऑब्जॉर्व होगा, आप सोच लीजिएगा। इसका हीट बहुत ही ज्यादा होगा, और ये आज आपको अच्छा चल रहा है, 6 महीना या साल भर होते होते इस बॉडी में आपको रिटर्न आना चालू हो जाएगा, क्योंकि हीट के कारण एलईडी आपको जलना चालू हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको इस बॉडी में चाहिए कि ये बड़ा वाला बॉडी में। अब बड़ा वाला बॉडी में क्या हो रहा है, लोगों को जब ये बॉडी ले रहे हैं जिसके साथ भी आपको बिना टिक्की का, इसमें भी बिना टिक्की का मिल रहा है डीओ भी, इसमें भी बिना टिक्की का मिल रहा है, इसमें भी इस तरह से लगाइए दो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। तो इसमें भी आपको रिटर्न आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा, इसके मुकाबले थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि इसका जो बॉडी का जो अल्मोनियम है वो बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं दोनों का बॉडी का साइज में बहुत ही अंतर है। तो आप दोनों में चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा चाहिए। उसके बाद आता है मेरे पास जो हम देते हैं डीओबी, उसमें आपको बॉडी बड़ा वाला देते हैं, इसके साथ एक टिक्की देते हैं, उसके बाद आपको ये डीओबी देते हैं गामा डीओबी। तो आपको इसमें आपको क्वालिटी बढ़ जाता है दोनों से, क्योंकि देखिए टिक्की जहां भी होगा इसका अल्मोनियम का ये साइज बढ़ जाएगा, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस देते हैं, एक वायर देते हैं। बहुत से लोगों को होगा कि सर ये मूवी क्यों नहीं देते, तो आपको बता दें कि ये मूवी यहाँ पर ही लगा हुआ है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये मूवी है, इसलिए ये मूवी हम नहीं देते, सिर्फ एक रेजिस्टेंस एक वायर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव है। और ये चाइना डीओबी है, ये इंडियन डीओबी है, ये इंडियन डीओबी है, इस दोनों से क्वालिटी में बहुत ही बेस्ट है। आज तक कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आया है। तो ये डीओबी आपको आज के बाद कभी भी लीजिएगा ये मिलेगा। अगर आपको फ्लिप्स टाइप बॉडी में चाहिए तो फ्लिप्स टाइप बॉडी में भी मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है कि फ्लिप्स टाइप बॉडी में अल्मोनियम आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें अल्मोनियम प्लस टिक्की होती है। तो इस टाइप में अगर लेना चाहते हैं फ्लिप्स टाइप में भी ई भी मिल जाएगा, सेम डीओबी मिल जाएगा, और इसकी इसी कंपनी का डीओबी हमें अभी प्रोसेस में लगा हुआ है, अथी में लगा हुआ है, टेस्टिंग में ये निकालने वाले हैं। इसका साइज थोड़ी सी छोटी कर देंगे, आप देख सकते हैं कंपनी नेम सेम होगा। देखिए यहाँ पर भी डीओ में लिखा हुआ है, और इसमें भी वीडियो लिखा हुआ है, ये कंपनी नेम सेम है, लोगो भी दोनों सेम है। और इसमें आपको एसपीडी नीचे कर दिए, इमोबी और एमबीटेड पीछे कर दिया, डबल रेजिस्टेंस इसमें कर दिए हैं। इसमें सिंगल रेजिस्टेंस देते हैं, आप डबल या सिंगल लगाइए, रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रेजिस्टेंस लगना चाहिए, एक लगाइए या दो लगाइए, क्योंकि उड़ेगा तो दोनों उड़ेगा, सिंगल भी रहेगा तो सिंगल उड़ेगा। तो दो रेजिस्टेंस इसमें कर दिए हैं, अब दोनों में साइज में थोड़ी सी ये छोटा कर दिए, तो इसमें आपको फ्लिप्स में भी आ जाएगा, वो सिस्का में भी आए प्रॉपर आ जाएगा। रही बात रेट का, तो ये दोनों का रेट से हम आपको जो भी रेट देते हैं तो उसके साथ आपको बॉक्स, या तो फ्लिप्स टाइप लीजिए या सिस्का टाइप लीजिए, इसके साथ बॉक्स, बॉक्स पे प्रिंटिंग, इस तरह से प्रिंटिंग हो जाता है बॉक्स पे ओ, प्लस बॉडी पे प्रिंटिंग, इस तरह से बॉडी पे प्रिंटिंग हो जाता है, ये सब फ्री देते हैं रेट के साथ, आपको कहीं भी कुछ इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा डीओबी लेना है। मार्केट में बहुत सा डीओबी आपको ये वाला बॉक्स नहीं सस्ते रेट में मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये डीओबी आपको 1 ईयर चलने वाली नहीं है, सस्ता के फेरा में आप लोग फंसने वाले हैं बहुत ही जल्दी। बाकी आपको जो रिपीट वाला B22 दे रहे हैं, इसमें आपको सोल्डिंग करने का जरूरत ही नहीं है, बस रिपीट लगाइए इस तरह से, ये ओके हो जाता है, जिस तरह से ये आपको बल्ब दिखता है रिपीट लगा हुआ B22, इसमें आपको देखिए मेरा गामा लगा हुआ है, तो ये ओके हो जाता है, बिना ये दो पॉइंट सोल्डिंग करके पीछे सोल्डिंग करने का जरूरत ही नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये बल्ब दिखता है। और आप छोटा वाला बॉडी लेना चाहते हैं तो इस तरह से आपको ये बल्ब दिखता है, फ्लिप्स टाइप बॉडी लेना चाहते हैं तो इस तरह से ये बल्ब दिखता है।
तो आपको दोनों में से जो भी इच्छा है वो ले सकते हैं। बाकी देखिए मार्केट में रेट सस्ता हुआ, लेकिन ये नहीं कि कचरा माल आप लेके मार्केट में बेचिएगा आपको रिटर्न नहीं आएगा। आप जैसा हो अच्छा माल लीजिए। अल्मोनियम कभी भी कम होना नहीं चाहिए, जिससे अल्मोनियम कम होगा तो हीट को ऑब्जर्व कहाँ करेगा। अगर आप ऐसे भी इसको जला देते हैं ना तो आपको दो घंटा एक दिन ऐसे ही चल जाएगा, बिना अल्मोनियम लगा हुआ भी आप जलाइएगा तो चल जाएगा। लेकिन ये नहीं आप बोल सकते इसको वन ईयर तक चल सकता है। तो इसी तरह से आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सा माल लेना है, आपको हम बेहतरीन बताएंगे। अगर फ्लिपस्टार बॉडी में आपको बिक रहा है तो आप फ्लिपस्टार बॉडी ही चलाइए, सिस्का बॉडी नहीं चलाइए। अगर सिस्का बॉडी में बिक रहा है तो टिक्की वाला सिस्का बॉडी चलाइए, ये बिना टिक्की वाला नहीं चलाइए, क्योंकि टिक्की जिसमें नहीं रहेगा हीट बहुत ही ज्यादा होने वाला। तो आप लोग जितना अच्छा क्वालिटी का माल बेचिएगा कम कमाइएगा, पर रिटर्न कम आएगा तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। अगर मान लीजिए कि आप 10 रुपए का माल सस्ता में 10 रुपए के लेके बॉडी में कोटिंग रहेगा उतना अच्छा आपका क्वालिटी हो जाएगा। बाकी जो हम क्वालिटी गामा के देते हैं आप कहीं से भी मिला लीजिए, वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। ये पूरी क्वालिटी गामा है, आप पूरी का माल लेते होंगे बहुत ही हाई रेट में उसका आता है। आज तक उसका गामा का रेट नहीं डाउन हुआ है। इस वाला सर स्क्वायर वाला गामा का रेट आप पूछ लीजिएगा, उसका और मेरा रेट दोनों का रेट सेम है, लेकिन क्वालिटी दोनों का सेम रहेगा। अब नहीं कि क्वालिटी चेंज है, उसमें अंतर क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस इस बोर्ड पे है मेरा रेजिस्टेंस बाहर है, और कोई भी डिफरेंट ए वाला गामा में नहीं आने वाली है। इसको हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द, पर फिलहाल में इसको अभी टेस्टिंग में चल रहा है। बाकी मेरा जो गामा है ये चल रहा है। देखिए जो भी हम आपको माल देते हैं कंपनी से माल देते हैं मंगा के, ये लोकल माल नहीं मिलता है, और आपका जो रेट होता है हम जेन्युइन रेट लेते हैं क्वालिटी के साथ। आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि आप कम कमाइए पर अच्छा क्वालिटी का माल लीजिए। ये कचरा माल ले लीजिएगा चाइना डीओबी, ये छोटा वाला डीओबी, तो वो आप फंसने वाले हैं, तो आप कृपया शांत हो जाएंगे। बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेज आता है सर ये वाला माल इतना मिल जाता है, ये वाला माल इतना मिल जाता, तो जब से डीओबी आया उसी तरह से आप लोग क्वालिटी नहीं रेट देख रहे हैं। देखिए बॉडी सबसे बड़ी चीज होती है एल्युमिनियम, वो चीज आपको देखना ही देखना पड़ेगा। और बाकी आपको सिस्का में चाहिए तो इस तरह से बॉक्स मिल जाएगा, दोनों बना हुआ रहेगा, थोड़ी सी साइज छोटा हो जाता है, और आप लोग डिसीजन ले लीजिए कि कौन सा माल देना है और कौन सा माल नहीं लेना है। बाकी आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे दिए नंबर पे कॉल कीजिए, आपको हैंड टू हैंड सॉल्व किया जाएगा। बाकी अगर आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी देंगे। तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।